हमने आपको एक हफ्ते पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें यह बताया गया था कि उज्जैन के संतोष वर्मा नामक व्यक्ति जो कि कोरोना संक्रमित था उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी और वहां के अस्पताल वालों ने नीमच के जिला प्रशासन को खबर दी थी। उसका कारण यह था कि यह व्यक्ति कुछ दिन पूर्व ही नीमच से वहाँ अपने घर को गया था। नीमच अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहा था और कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुआ था। इसको देखते हुए पूरा नीमच का जिला प्रशासन एकदम अलर्ट हो गया और उन्होंने आनंद फानन में पूरे बिहारगंज पे नाकाबंदी करके सैनिटाइजर किए गए और पूरा चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। हमारी खबर का शीर्षक भी यही था कि क्या यह संतोष वर्मा नाम का व्यक्ति कहीं पत्रकार को तो कोरोना नहीं दे गया, चर्चाओं का बाजार गर्म। तो इस प्रशासन की सूचना के आधार पर जो नीमच में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा वो वाकई सही था, क्योंकि वो व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, वो नीमच भी आया था और उसकी मौत भी हुई थी। अब उसके कौन रिश्तेदार थे, क्या कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आने की अनुमति प्रशासन से ली गई थी नीमच में, ऐसे कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। हालांकि अब सूचना के अधिकार में पूरी जानकारी भी ली जाएगी कि संतोष वर्मा क्या कोरोना वायरस के दौरान नीमच आया था, क्या किस अवधि में आया था और प्रशासन से क्या अनुमति ली गई थी या कितने दिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहा था। आखिर जब ये प्रशासन ने खबर मीडिया तक पहुँची तो पूरा मीडिया जगत भी असमंजस में था कि आखिर नीमच में ये क्या मामला हो गया है और सभी इस जानने को इच्छुक थे। हमारी खबर ने भी इस बात को प्राथमिकता से दिखाया था कि क्या चर्चाओं का बाजार गर्म है और वाकई चर्चाओं का बाजार गर्म रहा था। प्रशासन के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की कि हाँ कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो कि कुछ दिन पूर्व नीमच भी आया था। अब उसके रिश्तेदारों को भी यहाँ पर आइसोलेशन में रखा गया है। पूरी सच्चाई इस खबर में यही थी और हुआ भी यही। रिपोर्ट आए यह दूसरी बात है, परंतु प्रशासन ने जो जानकारी दी जो चर्चाओं का बाजार गर्म रहा वो बिल्कुल सही था। हालांकि कुछ उनके रिश्तेदार बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पे और ग्रुप में ऐसी अनगनन खबरें डाल रहे हैं जो कि हमारी न्यूज़ चैनल को भ्रमित करती है और उसको असत्य करार ठहरा रही है जो कि कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है। शीघ्र ही करेंगे इस पर। वो पेशेंट कहाँ का था, कहाँ से आया था, किस तरह की सूचना दी? ये आपको स्वास्थ्य विभाग बनने का बहुत हमारी जानकारी है कि वहाँ पर पूरा हम करते हैं, जितने भी छिड़काव ज़्यादा से ज़्यादा होगा पूरा उतना हम करेंगे। और घरों के अंदर ये हमारा जो ढोल है वो ढोल भी हम पहुँचाएंगे ताकि वो अंदर भी अपने कर वो सुरक्षित रहें, घर से बाहर नहीं। किस तरह की सूचना दी आपने? सूचना किस तरह की? जिला प्रशासन से सूचना मिली थी कि आप जरूर वहाँ पहुँचे।